नमस्कार मुमिली आपण समस्त को होम फूड चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज मुझे आपण मान बिना प्याज रसुण से जहनी आलू तरकारी रेसीपी नहीं आसी। यही जहनी आलू तरकारी को आपण मैंने निश्चय थे घरे बनातु आपण समस्त को बहुत ही पसंद आसब। आपण या भात रुटी परटा उभय सहित खाईपर बहुत ही बढ़िया लगी थाए। तो चलतु एवं वीडियो को स्टार्ट करवा। ये देखु दीटा मीडियम साइज़ आलू को चोपा छड़ी भल भाव धोईकी एमती लंबा लंबा काटिकी नहीं चार्टा छोट साइज़ जहनी को प्रथम गोटा भल से धोई सारापर तार चोपा छड़ी एम बड़ बड़ खंड कर आपजे मन पसंद जमती भी छोट बड़ साइज़ काटिपारे। ये देखु मसलार दीटा मीडियम साइज़ टमाटर किसी नड़िया नहीं नड़िया पखापाखि दुई रु तीन बड़ चामच हम गोटे बड़ चामच मगज नहीं दीटा कंचा लंका नहीं गोटे इंच अदा को खंड खंड कर सब को गोटे ग्राइंडिंग कप्रे भल भाव चिकण करके बाटि नवा। मगज दबा द्वारा ग्रेवी बहुत ही बहलिया होता है। जदि आपण पाखे मगज नहीं ताले आपण स्किप करें। जदि आपण ग्रेवी टिके बेसी बनिया चाहते ताले मगजर क्वांटिटी भी टिके अधिका नहीं पारे। ये देखते दुई रु तीन चामच मुझे पानी देकी आपको भलसे बाटिदेवी। ये देखो आमर मसला पेस्ट रेडीगला। एवं चलतु गैस उपर गोटे कड़े बसवा। ये कड़े में मुझे दुई बड़ चामच रिफाइन तेल दूँ। तेल भल से गरम परे आम आलू और जहनी को भाजी दबा। तो प्रथम मु आलू को भाजी की बाहर कर देबी तापर जहनी को भाजबी। आलू को मीडियम फ्लेम रे भल भाव एमती लाल हवा जाए भाजबे। ये देखते आलू भल से भाजी गला मु गोटे प्लेट को बाहर कर दूची। एबे से ही कड़े रे मु जहनी को पकेकी जहनी को भी मीडियम टू हाई फ्लेम रे भल भाव दुई रु तीन मिनिट खंडे भाजी देबी। आपण चाहिए बिना भाजिकी भी ये तरकारी बनई पारे किंतु भाजिकी कले तरकार टेस्ट टे बढ़ीज। मन रखु जहनी को भाजला बेले जमा भी लुण पकेबे नी। लुण पकेवा द्वारा जहनी पूरा जल्दी सीझी और जमा भी भल से भाजी हेनी। से देखिपे मुझ लुण कि हलदी किसी भी पकईनी आ कि समय पर देखिपे जहनी क्वांटिटी भी कमीगला और बहुत बढ़िया भाव में भाजी गला। आपको गोटे प्लेट को बाहर करदेवि। एबे सही कड़े रे आपण देखि पड़ते अल्प टिके तेल बंची से आ गोटे बड़ चमच मुझे तेल दे दूँगी। तेल गरम होगापर से दीटा तेजपत्र दूँगी गोटे छोट डालचीनी काठी को दूँगी और दीटा गुजराती को दूँगी। आपको किसी सेकेंड भाजला बनईकी रखा मसला पेस्ट को दे दूँगी। एबे से ग्राइंडिंग कप रे मु आधा कप पानी देकी भल भाव धोईकी इतरे दे दूची। एबे आपको दुई रु तीन मिनिट खंडे मीडियम टू हाई फ्लेम रे भल भाव कसी देबे। किछि समय पर सेतरे स्वाद अनुसार लुण हाफ टी स्पून हल्दी गुंड वन टी स्पून काश्मीरी लंका गुंड वन टी स्पून धनिया गुंड वन फोर टी स्पून गोलमरच गुंड और हाफ टी स्पून जीरा गुंड देकी भल भाव मिसई देवी। तापर दुई रु तीन मिनिट खंडे भल से मीडियम फ्लेम रे कसी देवी। दुई तीन मिनिट पर आपको मुझे घोरईकी आउ दुई मिनिट पर लो फ्लेम रे छाड़ देवी। आउ ये देखिपे दुई मिनिट पर मसलारू तेल अलग हाँ लगला। मसलारू पूरा पूरी तेल अलग ना जाए मसला को भल से कसबे। एठी मसला पूरा भल से कसी आसला। तो ये इतने भाजिकी रखा जहनी आलू को दे दूँगी। जहनी आलू सहित तो मसला को आउ दुई तीन मिनिट खंडे भल भाव कसबी। दुई मिनिट कसला पुणी थे आपको कभर करके दुई मिनिट पर लो फ्लेम रे छाड़ देबी। ये देखते दुई मिनिट हो गला कभर खोलिकी आपको भल भाव थे गोल देवी। भल भाव गोल सारापर मुझे पुणी थे आपको घोरईकी आ गोटे मिनिट पर लो फ्लेम रे छाड़ देवी। ये गोटे मिनिट हो गला देखिपे के बढ़िया कलर आसवाक लगला। तो ये ये आधा छोट चामच रु टे कम गरम मसला दे दूँगी।
गरम मसला दे सारापर भल भाव में मिसेदेवि तापर एथिरे पानी देबि। जदि आपण आकु पूरा कसा टाइप र रखियाउ चाहुथिबे ताले बहुत ही कम पानी देबे। मो एटी टिके लटपट टाइप र रखुछि सेथिपय एथिरे गोटे कप पाखा पाखी पानी दोछि। पानी दे सारापर आकु हाई फ्लेम रे फुटिबा पई छाड़ देबे। जेतेबेले फुटिबा स्टार्ट होबो ताकु कभर करिकि 2 रु 3 मिनिट खंडे लो टू मीडियम फ्लेम रे छाड़ देबे। एठी पाखापाखी 2-3 मिनिट हो गला। आलू भी पूरा भल भाव सीझी जाइए। आम तरकारी पूरा पूरी रेडी हो गला। तो ये गैस को मुझे बंद करदेवि। गैस को बंद कर सारापर एथेर उपर कि कटा जाइए धनिया पत्र को देदेवि और भलसे गोलदेवि। जदि आपण पाखे धनिया पत्र ना कस्तूरी मेथी भी देपारे। ये आम बिना पिज रसुन रनि आलु तरकारी रेडी गला। ये वीडियो देखला परे आपण माने निश्चय थरे घरे ट्राए करंतु। आपण समस्त को बहुत ही पसंद आसीबो। जदि आज वीडियो आपण मानको पसंद आसी वीडियो को लाइक और शेयर कर दियंतु। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ छंदी तबे मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। सब्सक्राइब कला परे पाखरे थिबा बेल आइकन को निश्चय प्रेस कर दियंतु। थैंक यू।